बाद भी उसके पेरेंट्स नहीं बताते हैं कि वो रोज किसका मांस खाते हैं, जिसके बाद माइक सच्चाई का पता लगाने के लिए मुर्दा घर आ जाता है, जहां उसके पिता काम करते हैं। जहां वो देखता है उसके पिता एक लाश को प्लास्टिक कवर में बंद कर रहे होते हैं, तभी उसे एक स्कैपलर गिर जाता है, फिर वो उसे तुरंत लेकर वहां से चला जाता है। अब जब वो अपने पिता की कार का पीछा करने लगता है, फिर अपने पिता की कार के पास आ जाता है और उन्हें झूठ बोलकर कि वो अपने दोस्त के यहां से आ रहा है गाड़ी में बैठ जाता है। तभी उसकी नजर पीछे रखे बैग पर पड़ती है। अब जैसे ही वो उसे छूने वाला होता है, उसका पिता उसे रोक लेता है। रात में जब सब खाना खा रहे होते हैं तो पूरी टेबल पर मीट से बना ही सामान होता है, जिसे देखकर माइक की भूख मर जाती है। तभी वही स्कैपल माइक के हाथ से नीचे गिर जाता है, पर उसके पिता की नजर उस पर पड़ जाती है, लेकिन वो ये कहकर बच जाता है कि ये उसे बाहर खेलते समय मिला था। जिसके बाद वो अपने पिता के डर के मारे अपने कमरे में जाकर लेट जाता है, लेकिन वो सो नहीं पा रहा होता है इसी बात को लेकर। इसलिए वो अपने पेरेंट्स का राज जानने के लिए बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। जब उसके पेरेंट्स गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन जो कुछ वो वहाँ देखता है वो उसे बिल्कुल डरा कर रख देती है। वो देखता है एक बड़ा धारदार कसाई वाला चाकू वहाँ पड़ा होता है, जिसे देखकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक पैर पर पड़ती है, जो किसी इंसान का होता है और वहाँ पर लटक रहा होता है। आगे जो हुआ उसे आप में से कुछ ही लोग देख पाए।